बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवन टीवी के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर आईनी करार दे दिया। तोहीन अदालत को काबिले दस्त अंदाजी जुर्म बनाने वाली पीका की शिक 20 आयन से मुतसादिम करार देकर कालेअदम करार दे दिया। अदालत ने आज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। पेट्रोलियम डिवीजन की पेट्रोलियम मसनूआत 35 रुपए फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत हंगामी बुनियादों पर समरी काबीना को अरसाल कर दी। कौमी असेंबली के कल होने वाले इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी एजेंडे का हिस्सा। एजेंडे में वक्फे सवालात के अलावा तवज्जो दलाउट नोटिस भी शामिल। एनसीओसी की जानिब से इस्लामाबाद में कोरोना की रोकथाम में बेहतरीन कारकर्दगी पर इस्लामाबाद के DHO डॉक्टर जईन ज़िया को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाज दिया गया। एनसीओसी ने इस्लामाबाद में कोरोना की रोकथाम और वैक्सीनेशन के मराहिल बेहतरीन तरीके से अंजाम देने पर एनसीओसी ने इजाजी सर्टिफिकेट दिया। डॉक्टर जईन ज़िया का कहना है कि इस्लामाबाद के शहरियों के तावन से कोरोना का मुकाबला करने में कामयाबी हुई है। वाज़ेह रहे कि आज इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 2% रिपोर्ट हुई। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पे आपको खबर दें। जैकबाबाद अदालती फैसले के बाद पीपी जियाले रोडों पर निकल आए। पीपी जिला सदर मीर लियाकत अली लाशारी, एमपीएम मीर मुमताज खान झाकरानी, मीर सजाद खान झाकरानी, जफर अली बड़ो और दीगर की क्यादत में तलका हाउस से शानदार रैली निकाली गई। रैली में पीपी के तमाम जेरे विंग के जिम्मेदारान और कारकुनान समेत लीडीज विंग ने भी शिरकत की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि हम आज सुप्रीम कोर्ट के अदालती फैसले का खैर मुकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आईन का भरपूर तहफ्फुज किया। जतोई डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ कैप्टन रिटायर तारक वलायत की हदायत पर SHO शहर सुल्तान के मुजरमान हथियारों के खिलाफ कार्रवाई। 3 लाख रुपए नकद और 1,15,000 रुपए मालियत का मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। एक मुजरम इश्तियारी गिरफ्तार। इस मौके पर SHO का कहना था कि पुलिस मुजरमान इश्तियारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। मुजफ्फरगढ़ पुलिस बर वक्त इंसाफ की फराहमी, शहरियों के जान व माल की हिफाजत और अमन व अमान के क्याम के लिए रात दिन कोशां है। किसी भी जुर्म के सरजद होने, मशकूक गाड़ी या शख्स या लावारिस चीज की इतला पंजाब पुलिस एमरजेंसी नंबर 15 पर दें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। इदला दहिंदा का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। रुख करते हैं कुमेर शरीफ का, जहां रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में उर्स के नाम पर रमजान मुबारक का तकद्दस पामाल किया जा रहा है। इसी वाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा वन टीवी जफर इकबाल भट्टी से। जी बिल्कुल, कुमेर हजरत बाबा मोहम्मद पना के उर्स पर इससे बढ़कर अफसोसनाक बात यह है कि रमजान मुबारक के तकद्दस को पामाल करने पर हमारे अदारे भी खामोश है। ना कोई होटल बंद किया गया और ना ही खाने पीने वाले एशिया के स्टॉल्स। मुख्तलिफ गांव से जायरीन आते हैं, ढोल की थाप पर रक्स, ख़वातीनों हजरात रक्स करते हैं। ये सब कुछ देखकर यकीनन दिल खून के अंसर होता है। तमाम जिम्मेदारान अदारों से गुजारिश है कि रमज़ानुल मुबारक के तकद्दस को बरकरार रखा जाए, इन फजूलियात को फौरन बंद किया जाए। सियासी व समाजी हलकों का मुतालबा। जी कैमरामैन टीम के साथ जफर इकबाल भट्टी, A1 TV, कमीर शरीफ। शेखपुरा में भी सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला सुनने के बाद पेपर सिटी सेक्रेटरीट शेखपुरा में सिटी सदर और टिकट होल्डर सूबाई असम्बली सैयद नदीम अब्बास काजमी समेत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने गो न्याजी के नारे लगाए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सज्जाद राणा से। बिल्कुल, यहाँ हम बात करते हैं, दीगर शहरों की तरह शेखपुरा में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने ढोल की थाप पर रस करते हुए जश्न मनाया और मिठाइयाँ भी तकसीम की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर शेखपुरा शाहकलोनी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिली क्यादत ने जश्न मनाया और खुशी का इजहार किया। जश्न की क्यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर सैयद नदीम अब्बास ने की। इन्होंने मजीद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अवाम के दिल जीत लिए हैं। इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जी A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।